सारे फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत प्यार विच भाई गुरदीप सिंह जी, राजे वीर जी, आप जी नूं पहले कथा सरवण करा रहे सी, उहदे बाद फिर बच्चिआं ने वड्डिआं ने हाजरी भरी। थोड़े मिनट गुरु साहिब जी सेवा लैन, मेरे बाद फिर भाई कुलविंदर सिंह जी वह हाजरी भरन दे। जिवें आप सब नूं पता वे, शहीदी दिहाड़े चल रहे ने, अज 21 तारीख है, कल 22 है। 7:30 तो लैके 9 बजे तकन इत्थे समागम होंदे ने, 9:15-9 बजे तकन। सारिआं नूं बेनती, आप जी आया करो ते नाल भावें दो दो पांच पांच प्राणी लैके आया करो, ये भी तुहाडे चरणां विच बेनती है। 23 तारीख नूं 4 साहिबजादे जो पहला भाग है, इतिहासिक भी ते धार्मिक भी, वो पिक्चर दिखाई जाएगी शामी 6 बजे। सारिआं ने दर्शन देने, साडा इतिहास है, आप जी आयो, बच्चों नाल लैके आयो, भावें कोई दूजे ने नॉन सिख उन्होंने भी लैके आयो। तुहाडे घर विच कोई काम करता है ना, कोई भांडे मांजदा है या फिर होर भी कोई, उन्होंने भी प्रेरणा देना आप जी, क्योंकि सिखा तकन गल ना रहे, साडा इतिहास बाहर तकन जाए। भावें तुहाडे घर विच एक काम करन वाला है, दो काम करन वाले ने, पांच काम करन वाले ने, दुकान ते घर, उन्होंने भी आप जी प्रेरणा देना। तो भावें उन्होंने इतिहास के बारे नहीं पता, तो उन्होंने यही बोल देना कि उत्थे प्रसाद वंडिया जाएगा, वह भावें प्रसाद के लालच ही आ जाए। कोई पता नहीं होता समय का कि कौन कदों जुड़ जाए। भगत फरीद जी भी शक्कर के लालच ही जुड़े से, तो आप जी लैके आओ। 2-3 दिन का समा हो रहे, 24 तारीख में बाहरू जो जत्था आया भाई हरदयाल सिंह दरबार साहब, वह हाजरी भरन दे, 25 तारीख में भी हाजरी भरन दे। गुरु साहब जी कृपा कर, बड़े प्यार विच पढ़ो। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, 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 वाहगुरु, 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 वाह संगत बोले वाहगुरु, 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 वाह सारे वाहगुरु, 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 वाह सारे जपो, सारे बच्चे बोलो वाहगुरु, 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 वाहगुरु जी, वाहगुरु जी, वाहगुरु, वाहगुरु जी, वाहगुरु, वाहगुरु जी, वाहगुरु, वाहगुरु जी, वाहगुरु। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, 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 श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जितने भी आप जी बैठे हो, बहुत सारे जिन्हों का ब्याह होया वो माता पिता भी ने, ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज
जदों बाल अवस्था दुनियावी 8 साल 9 साल दे, जिन्हों आप बालक कह देंगे, बच्चा वे बालक है, जो प्यो होंदा उन्हों पालक कह देंगे, जो पालदा वे। ते किसी गुरमुख प्यारे ने बड़े प्यार विच किया, और यह हकीकत भी है, जब बालक थे तब शहीदी के लिए पालक को भेजा। सारे अखो वाहिगुरु, गुरु गोविंद सिंह जी की सिफत है, जब बालक थे तब शहीदी के लिए पालक को भेजा। पालक कौन? गुरु तेग बहादुर जी महाराज। हुण जिन्हां दा शहीदी दिहाड़ा मना रहे हो, वो चार साहिबजादे माता गुजर कौर जी। जब पालक बने तो शहीदी के लिए बालक को भेजा। सारे अखो वाहिगुरु, जब पालक बन गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आप प्यो बन गए, आप पिता बन गए, फिर किन्नो भेज रहे ने शहीदी ली? जाओ पुत्रो, आप बाबा अजीत सिंह जी नू, बाबा जुझार सिंह जी नू आप भेजे, उधर छोटे साहबजादे, इधर वड्डे साहबजादे। नहीं तो कौन तुसी देखो, एक छोटा सा बच्चा भी हुए, छोटे छोटे बच्चे बैठे ने, इन्हां नू ठंड ही लग जाए, इन्हां नू जुकाम ही हो जाए, मां प्यो दे पैर नहीं टिकदे, घबरा जाते ने मां प्यो। सोचो गुरु गोविंद सिंह का कैसा हिरदा होएगा, आप कह रहे जा, ठंड में असं अपने बच्चों नू बाहर नहीं कढ़ते जब तक कवर ना कर लिए पूरा, कोशिश कर दे अंदर ही रखिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी कहने कहने जाओ बाबा अजीत सिंह जी नू, आप साहबजादे नू भेजे। जब बालक थे तब पालक को भेजा, जब पालक हुए तो बालक को भेजा शहीदी ली। इतिहास आप जी नू पता है किवें गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी हिंदू धर्म के खातर, फिर किवें छोटे साहबजादे वड्डे साहबजादे ने शहीदी दी। बाबा जी कृपा करन, ये शब्द पढ़ियो, इतिहास बहुत वड्डा वे। जितनी सिफता करिए, जितने गुण गाइए, एक बार मैं पहले भी बचन कर चुकिया वा, असी इतिहास पढ़ते नहीं हाँ, असी इतिहास सुनते भी नहीं हाँ, ये साड़ी बहुत वड्डी कमी है, ना असी इतिहास पढ़ते हाँ ना सुनते हाँ। जिस दिन असी इतिहास पढ़न ते आ जाइए अपना, या जिस दिन सुनन ते आ जाइए, असी मुक जाएंगे, साड़ा इतिहास नहीं मुकेगा। सारे आखो वाहिगुरु, और इस चीज का भी मान करियो, साढ़े को इतिहास है, मिथिहास नहीं है। एक मिथिहास होंदा है जो मन घड़त कहानियां आप ही बनाई होंदिया ने, एक होंदा इतिहास, पल पल पैर पैर से साड़ा इतिहास रचिया जा रहा है। थोड़े समय पहले मैं पहले भी बचन किया है, किसान अंदोलन होया, सोचो उस समय जब गुरु गोविंद सिंह के बच्चे सन, अगर सरकार झुक गई तो उही इतिहास रिपीट हो जाए, सरकार नू झुकना पिया किसानां दे अगे, उहदे विचों 80% किसान साडे सिख वीर सिख भरा, नहीं तो कौन सी जिहदे कोल ताकत होए उहदे पैर ही नहीं लगदे। हल्की सी तुहानू अहुदा ही मिल जाए ना, हल्का सा तुहानू किसी जगह की प्रधानगी मिल जाए तो असीं सोचदे हां साडे वर्गा कोई नहीं। एक समय का बादशाह होए, पूरी दुनिया का, पूरे इंडिया का, मुल्क का प्रेसिडेंट होए, प्राइम मिनिस्टर होए, उहदे कोल तो सारी ताकत ने, की नहीं कर सकता, सारा कुछ कर सकता, बस एक कलम ही तो फेरनी, एक मुंह तो जुबान तो कुछ कढ़ना ही देगा, ये नहीं एवें कर दो। नोटबंदी खाली मुख तो निकले ही सी ना, नोटबंदी कर दियो ते तुसी की कर लिया और असी की कर लिया, कोई कुछ नहीं कर सकता। GST एक खाली मुख तो बोले ही थे ना, करना है, ताकत है बादशाह वे समय का। उस समय समय का बादशाह, जो आप जी नूं पता होवे, चार साहबजादे नूं झुका नहीं पाया। इस चीज का मान करियो, उही खून साडे अंदर है गुरु गोविंद सिंह जी का, बस जिहदा खून ठंडा पै गया, खून विच उबाले नहीं ने, ते समझ लो असी फिर गुरु गोविंद सिंह जी दे पुरनिया ते नहीं चल रहे। अगर कोई चीज देख के साडा खून खौलदा होवे, अज भी कोई गलत चीज देख के, किसी दे उपर कोई जुल्म हो रहा है, उन्हों देख के अगर साड़ा खून नहीं खोलता, तो समझ लो साडे रगां विच गुरु गोविंद सिंह का खून नहीं है, उहदे अंदर ही गुरु गोविंद सिंह जी का खून है। जो गलत नू गलत बोले, सही नू सही बोले, वह गल वखरी है कि कई बारी देख के अनदेखा करना पैंदा। अरदास विच आपां कहिंदे आ, जिन्हां ने देख के अनदेखा किया तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर खालसा साहिब, बोलो जी। वह एक अवस्था वे, वह अवस्था ता बनती जो साढ़े उपर कोई जुल्म हो रहा हो, साढ़े उपर कोई ऐसी चीज हो रही हो जो साढ़े बर्दाश्त तो बाहर हो,
ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਓ। ਜੋ ਸੂਰ ਆਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਸੂਰ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, 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 ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਬੋਲੋ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰ ਫਕੜਨਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿਦੀ ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਸੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਆਇਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਪਦਾ ਵੇ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣ ਘੰਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਹਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਸੂਰਾ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਦਾਸਾ ਜੀ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਿਖ ਪੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। Thank you.
ठाकुर गाइए आत्म रंग, ठाकुर गाइए आत्म रंग, शरणी पावन नाम ते आवन सह समावन संग, सह समावन संग, जन के चरण बसे मेरे हियरे, जन के चरण बसे मेरे हियरे, संग पुनीता देही, संग पुनीता देही, संग पुनीता देही, संग पुनीता देही, जन की तू दे हो कृपानिध, जन की तू दे हो कृपानिध, नानक के सुख एही, नानक के सुख एही, नानक के सुख एही, नानक के सुख एही, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, बोलो सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छाटे खेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छाटे खेत, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, जब बाण लाग गयो तब रोज जागयो, जब बाण लाग गयो तब रोज जागयो, सो कहियत है सूरा, 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 लूण साहेब दा खाए के रण अंदर लड़ मरे, लूण साहेब दा खाए के रण अंदर लड़ मरे, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, गगन मामा बाजयो परियो निशाने कहो, गगन मामा बाजयो परियो निशाने कहो, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छाटे खेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छाटे खेत, कबू न छाटे खेत, पहला मरण कबूल जीवन की चढ़ा, पहला मरण कबूल जीवन की चढ़ा, हो सपन की रेणुका तो आओ हमारे पास, ओ सुमन की रेणुका तो आओ हमारे पास, सो कहियत है सूरा, ओ सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, हर जस गायो हर जस गाय, हर जस गायो हर जस गायो, हर जस गायो हर जस गायो, हर जस गायो हर जस गाय,
तन जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख वर जो चाहत तो ही मन पायो कर कृपा हर नाम दिवा सर्व सुख हर नाम डाए गुर प्रसन्न नानक मन पाए पवन गुरु पानी पिता माता सत महात दिवस रात दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म दूर करमी आपो आपने के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए सकल काल नानक ते मुखो चले किसी छुट्टी ना बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह सत श्री अकाल गुर भर आकार सत श्री अकाल गुर भर आकार तेरी महिमा अपार तेरी महिमा अपार तेरी महिमा अपार तेरी महिमा अपार बोले सो निहाल श्री गज के बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी लिए प्रसाद तैयार है।